नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, जो कि बहरी के रहने वाले हैं, इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनके खिलाफ पुलिस एनएसए की कार्रवाई के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। विधायक प्रतिनिधि जिसके ऊपर पेशाब करते नजर आ रहे हैं, वह भी उसी गांव का रहने वाला है। मामला सीधी जिले के कुबरी गांव का बताया जा रहा है। इस बारे में रीवा रेंज के डीआईजी मिथिलेश शुक्ला का कहना है, वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने बहरी थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है, आरोपी प्रवेश शुक्ला दशरथ रावत के ऊपर गलत हरकत कर रहे हैं। दोनों लोग कुबरी गांव के रहने वाले हैं। बहरी थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। धारा 294, 506 भारतीय दंड विधान 7(1) SC/ST एक्ट के तहत आरोपी पर NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है, हम उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। इस मामले में रीवा रेंज के DIG मिथिलेश शुक्ला क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। हम लोगों के संज्ञान में आया, सीधी में बहरी थाना क्षेत्र में ग्राम कुबरी का एक वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक दशरथ रावत नाम के युवक को आइडेंटिफाई किए हैं, साथ उसके ऊपर गलत हरकत कर रहे हैं, एक कर रहा है प्रवेश शुक्ला। दोनों एक ही गांव के रहना अभी तक पता चला है। इस घटना को लेके अपराध की कायमी कर ली गई है थाना बहरी में। आरोपी को पकड़ने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टया उसमें दिख रहा है, उसमें हमारे द्वारा 294, 506 भारतीय दंड विधान साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बाहर आ गया है। इंसानियत को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सीधी विधायक का विधायक प्रतिनिधि ने किया है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र है उसको उजागर करने का काम किया है, और पूरे आदिवासी समाज का, पूरे मनुष्य समाज को, इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।